फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एप्रन बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आप अलग से ज्वाइंट लगाना चाहती हैं, मतलब अलग कलर का बनाना चाहती हैं, इसमें और कलर ज्वाइंट करना चाहती हैं, तो आप और कलर भी ले सकती हैं। मैं आपको एक कलर का ही एप्रन बनाना बता रही हूँ। तो ये देखिए, कपड़े को मैंने ऐसे 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है, ऐसे। ये देखिए, मैं आज आपको बहुत इजी तरीके से एप्रन बनाना बताऊंगी। 2 लेयर में हो गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद यहां से हम अपनी लेंथ लेंगे, जितनी हमें इसकी लेंथ रखनी है। हमें इसकी लेंथ रखनी है 31 इंच। यहां से हम 31 इंच पे मार्क करेंगे, ऐसे। इधर से भी इतनी, ठीक है। और उसके बाद अब इसमें से हम 2 इंच ऊपर के लिए फोल्ड के लिए छोड़ेंगे, जो हम ऊपर फोल्ड करेंगे कपड़ा, यहां से 2 इंच पे हम ऐसे मार्क कर देंगे सीधे कपड़े में। ये हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, और उसके बाद यहां से हम 1 इंच इसमें से बढ़ा देंगे, 31 इंच से आगे 32 इंच, इतना इसमें से ले लेंगे हम। जो हमारा बाकी का कपड़ा बचेगा उसे हम कट कर देंगे। ये हम नीचे की तरफ को फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये मेरा ऊपर की तरफ को हो गया, नीचे की तरफ का कपड़ा हो गया। ये मेरा जो 2 इंच कपड़ा बचा है, इसे मैं कट कर दूंगी एक्स्ट्रा को। और उसके बाद हम इसे यहां से मैं 7 इंच पे मार्क करूंगी, यहां पे। ये मेरा 7 इंच हो गया, ठीक है। यहीं से लंबाई हमें यहीं से लेनी है, क्योंकि ये हमारा कपड़ा तो कट जाएगा। और उसके बाद हम इस कपड़े को तो फोल्ड करेंगे, लेकिन यहां से ही शुरुआत यहीं से करनी है हमें। और उसके बाद यहां से लेंगे हम 10 इंच आर्म होल के लिए हम 10 इंच लेंगे। ये मेरा 10 इंच हो गया, ठीक है। 10 इंच हो गया, और उसके बाद यहां से मैं 31 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहां से मैं, अगर आप हेल्दी हैं तो आप ज्यादा कपड़ा लें इधर को, वैसे इसमें डोरी डल जाती है तो ये सही रहता है। ये देखिए, इधर से मैंने 30 लिया है, सॉरी मैंने 13 बोल दिया, इधर से मैंने 30 लिया है यहां से। और उसके बाद यहां से मैं बॉटम पार्ट तक सीधे मार्क कर दूंगी, यहां से सीधे, मुझे जहां से हमारा बॉटम पार्ट होता है वहां से मैं ऐसे सीधे मार्क कर दूंगी। और यहां से मैं कर दूंगी 2 इंच का, यहां से मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी ऐसे, और इसे ऐसे कर दूंगी, जिसे हम आर्म होल में कर देते हैं, कुर्ती वगैरह में कर देते हैं, ऐसे कर देके अब मैं इसे कट करूंगी। मैं यहां से कट करना स्टार्ट करूंगी, यहां से ऐसे। अब यहां से भी मैं इसे सीधा कट कर दूंगी, इस कपड़े को हम सारे को कट ही कर देंगे, इस कपड़े को हम निकाल देंगे बाद में एक्स्ट्रा को, ठीक है। अब उसके बाद अभी देखिए, मेरा एप्रन कट के तैयार हो गया है। उसके बाद मैं इसकी पॉकेट निकालूंगी, जो हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। अभी देखिए, हम इसकी पॉकेट निकालेंगे। पॉकेट की लेंथ लेनी है हमें 10 इंच, 10 इंच हमें इसकी लेंथ लेनी है। हम इसमें से 1 इंच फोल्ड कर देंगे, जो हम मोड़ेंगे अंदर की तरफ को। और इसकी चौड़ाई लेनी है मुझे पॉकेट की 11 इंच, 11 इंच मुझे इसकी चौड़ाई लेनी है। एक पॉकेट लगाऊंगी मैं,
यहाँ से ऐसे इसे सीधा करके और इसको कट कर लूँगी। ये मेरा एक लेयर में कपड़ा है, मैं एक ही पॉकेट कट कर रही हूँ, ये कपड़ा मैं कट कर लूँगी यहाँ से कॉर्नर से। यहाँ से भी ये कट कर दूंगी, ठीक है। अब ये मेरी पॉकेट कट गई और उसके बाद जो मैं आर्म होल पे पट्टियां लगाऊंगी उसके लिए मुझे तिरछी पट्टियां कट करनी है और वो मुझे ऐसे बनानी है जैसे हम सलवार वगैरह में डोरी डालते हैं उस प्रकार से मुझे सिलनी है। ये मैं आपको सिल के भी बताऊंगी। ये मैं 3-3 इंच की पट्टियां कट करूंगी। पहले हम यहाँ से कपड़ा निकाल देंगे, इस कॉर्नर से हम ये कपड़ा निकाल देंगे, फिर हम ये पट्टियां निकालेंगे। अब मैं 3-3 इंच की पट्टियां निकालूंगी यहाँ से, 3 इंच, ठीक है। अब मैं इस 3 इंच को पूरे को कट कर दूंगी। 3 इंच की मुझे दूसरी वाले आर्म होल की लिंक निकालनी है ऐसे, और अब मैं एक और पट्टी से मैं ऐसे ही निकाल के इसे तैयार करूंगी। अब ये देखिए, ये मेरी दो पट्टियां हैं, ये मैं अभी आपको, ये मेरी पट्टियां हैं 3-3 इंच की, ये मुझे ऐसे ज्वाइंट करके और मुझे पूरी सिलनी है जैसे हम डोरी बनाते हैं उस तरीके से हमें ये सिलनी है। मैं आपको सिल के बताऊंगी। ये मेरी कुल मिला के दो पट्टियां 16 इंच तक तैयार होंगी जब मैं इन्हें ज्वाइंट करके सिल लूंगी और तब हम इसे एप्रन में डालेंगे। ये मैं आपको डाल के भी बताऊंगी और सिल के भी बताऊंगी किस तरीके से मैं इसे सिलूंगी। जो मैंने 2 इंच कपड़ा गले की तरफ रखा था, इसमें गला वगैरह तो हमें कुछ करना नहीं होता, तो हम इस कपड़े को 2 इंच को ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारी किनारी है, आप चाहें तो इसे और भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक बार फोल्ड करूंगी ऐसे और इस पे 2 इंच तक सीधी सिलाई लगा दूंगी, ऐसे सीधी सिलाई लगा दूंगी इसमें पूरे पे। और उसके बाद हम ये आर्म होल पट्टियां हैं जो वो हम ज्वाइंट करेंगे इसमें, ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम उन्हें ज्वाइंट करेंगे। अब ये मेरी सिलाई लग के तैयार हो गई है, ठीक है। अब मैं इसमें आर्म होल में ये जो मैंने पट्टियां कट की थी वो मैं इसमें ज्वाइंट करूंगी। ये 3-3 इंच की पट्टियां जो मैंने कट की थी, ये हमें पहले यहां से इस कपड़े को हम ऐसे बराबर कर लें ऐसे, और एक तरफ से इसे फोल्ड कर लें ऐसे। एक तरफ से फोल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ पे ऐसे ही यहाँ से मजबूत करके और एक सिलाई लगाएं सीधे कपड़े की तरफ को, और फिर हम इसे उल्टे कपड़े की तरफ को पलट के डोरी डालने के लिए बना देंगे। ऐसे कर्व के हिसाब से ही चलना है हमें। ऐसे मैं इसे पूरे को सिल के तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए, मैंने आर्म होल पे पट्टी लगा ली, उसके बाद मैं इसे ऐसे पहले इसकी किनारी के ऊपर मैं एक सिलाई लगाऊंगी ऐसे, किनारी किनारी के ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है पूरी किनारी तक। और जैसे मैं ये आर्म होल तैयार कर रही हूँ ऐसा ही मुझे दूसरे वाला भी सेम ऐसे ही करना है। आप चाहें तो इसे प्रेस लगा के भी इसे सीधा कर सकती हैं, आप सिलाई भी लगा सकती हैं, प्रेस लगा के भी इसे बिल्कुल बराबर ला सकती हैं। ऐसे, और यहां से भी मैं ऐसे बराबर ही कपड़ा लूंगी। यहां से इस तरफ से भी ऐसे ही, अब ये करने के बाद में यहाँ से ये कपड़ा मैं कट कर दूंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं इस कपड़े को फोल्ड करके यहाँ से ऐसे फोल्ड करके ऐसे मुझे डोरी डालने के लिए बनाना है जिसमें मैं अपनी एप्रन की डोरी डालूँ सॉरी। देखिए ऐसे ऐसे
इस पे सीधी सिलाई लगानी है, जैसे हम सलवार वगैरह में ये नीफा वगैरह बनाते हैं उस तरीके से हमें बनाना होता है। ऐसे यहाँ से इसे फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगानी है इस तरफ को, ऐसे जैसे मैं ये आर्म होल तैयार कर रही हूँ सेम मुझे दूसरा वाला भी ऐसे ही तैयार करना है इसी प्रकार से। आप चाहें तो इसे और भी डिजाइनर बनाना चाहती हैं तो कोई पाइपिंग वगैरह और कलर की इसमें लगा सकती हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी तरह का भी आप इसे बना सकती हैं। मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको एप्रन बनाना बता रही हूँ। ऐसे यहाँ से भी ऐसे करके बराबर करके इसे बल वगैरह सारे निकाल के तो चलना है। और उसके बाद में दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही इसे बना के तैयार कर लूंगी। देखिए मैंने अपनी दोनों आर्म होल ये पट्टियां लगा के तैयार कर ली हैं। मैंने इस तरीके से लगाई हैं कि मैं इसमें डोरी डाल सकूं और इसे ऊपर की तरफ पे डोरी निकाल सकूं, जैसे एप्रन बनता है आपने देखा होगा रेडीमेड, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसका सेंटर निकालूंगी, 20 सेंटर मेरा यहां होता है, यहां बनता है, तो मैं यहां से चौक से ऐसे मार्क कर लूंगी सीधा, ठीक है। ये मेरा 20 सेंटर हो गया, ये देखिए 20 सेंटर हो गया। उसके बाद मैं यहां से 10 इंच तक पूरे में निशान लगाऊंगी जहां पे मुझे पॉकेट लगानी है, यहां पे मेरा 10 इंच बनता है ऐसे, और इस निशान को मैं सीधा कर दूंगी। ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैं ये पॉकेट रखूंगी, पॉकेट मैंने ये देखिए चारों तरफ से सिल ली है, इस पे राउंडली पूरे में सिलाई लगा ली है। और उसके बाद ऐसे इसके इसका भी सेंटर निकालूंगी मैं, ऐसे इसका सेंटर यहां बनता है, तो यहां पे मैं चौक से निशान लगा लूंगी। अब ये 20 सेंटर और इसका सेंटर मिला के ऐसे सीधे कपड़े की तरफ को रख के हमें ये दोनों सेंटर मिला के और इसे जहां जहां से हमें सिलनी है वहां से हम चौक से निशान लगा लें ताकि ये टेढ़ी ना हो, ऐसे इधर से भी, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है सीधी। ये हम नीचे की तरफ को मोड़ देंगे जब हम इसे सिलेंगे, मैं आपको इसे सिल के बताती हूँ। ये देखिए यहां से सिलना स्टार्ट करूंगी मैं, यहां से। आप चाहें तो इसमें दो पॉकेट भी लगा सकती हैं, वो नीचे की तरफ को लगती हैं। मैं वो दूसरा वाला एप्रन भी आपको बताऊंगी, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ। ऐसे अब इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगाएंगे, आप चाहें तो इसमें कोई पाइपिंग वगैरह कुछ भी लगा सकती हैं, इसकी डिजाइन बनाने के लिए इसमें पट्टियां लगा सकती हैं पाइपिंग की बना के। ऐसे देखिए मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर दिया है कपड़ा, ऐसे। अब मैं इसको इधर को लाऊंगी और यहां से भी कपड़े को मैं इतना ही फोल्ड करूंगी जितना मैंने उस तरफ से किया था। ऐसे यहां से भी बराबर करके और मुझे इस तरफ को ऐसी सिलाई लगानी है। इस तरफ से भी मैं एक और सिलाई लगाऊंगी इसे बराबर करके पॉकेट को। यहां से ऐसे करके और मशीन को ऐसे घुमा देना है जहां से ये मजबूत हो जाए एक बार, ऐसे। और नीचे की तरफ को करके फिर एक बार और घुमाना है ताकि यहां से हमारी मजबूत हो जाए पॉकेट, ऐसे। और फिर धागे को कट कर देना है, फिर मैं आपको बताऊंगी हमें कहां से कपड़ा फोल्ड करना है। अब ये देखिए अब हमारी ये साइड है ये मैंने फोल्ड कर ली है, आपको ये साइड भी फोल्ड करनी है क्योंकि हमें ज्वाइंट तो करना नहीं है, हमारा खुला रहेगा। तो ये साइड मैंने दोनों फोल्ड कर ली हैं, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, ठीक है। अब उसके बाद मैं नीचे की तरफ को ये कपड़ा फोल्ड कर दूंगी, ऐसे ये कपड़ा मैं फोल्ड कर दूंगी नीचे की तरफ को, इतना इतना कपड़ा फोल्ड करके, और मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। देखिए
मैं इसे सीधे कपड़े की तरफ को सिलाई लगा लूंगी, उल्टे कपड़े की तरफ को ऐसे, जितना कपड़ा आप हमें फोल्ड करना है उतना कपड़ा फोल्ड करके और हमें सीधी सिलाई लगा लेंगे। मेरी सीधी सिलाई लग चुकी है, ठीक है। उसके बाद मैं धागा कट कर दूंगी और जो मैंने ये दो पट्टियां काटी थी कट की थी, ये देखिए ये मुझे जॉइंट करके और तब इनमें मुझे सिलाई लगानी है, पहले एक सीधी सिलाई और फिर मुझे ये सिलनी है। ये मेरी सिलाई लग चुकी है, अब उसके बाद मैं यहां से इसको, यहाँ पे हमारी किनारी से फोल्ड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। यहां से एक बार फोल्ड करना है, फिर इधर से भी एक बार और फोल्ड करना है, फिर ऐसे इसे ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब मैं इस पे सीधी सिलाई लगाऊंगी पूरे कपड़े में, जहां तक मेरी इसकी लंबाई है 16 इंच तक, जहां से। अब मैं जितनी मेरी 16 इंच इसकी लंबाई थी वहां तक मैं पूरे में सिलाई लगा के इस डोरी को तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए मैंने पूरी डोरी बना के तैयार कर लिया। मैं इसमें पिन डाल के और इसके अंदर डालूंगी, इसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहां से डालना स्टार्ट करना है, ये हमें आर्मोर बंद नहीं करने, खुले रखने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। यहां से ऐसे सीधा चल के इधर से लाके इस डोरी को ऐसे, और हमें इस तरफ को नीचे की तरफ निकाल देनी इस आर्म होल में से, यहां से ऐसे। ये देखिए अब ये पिन मैं निकाल दूंगी, ये देखिए ये मेरा एप्रन आपके सामने बनके तैयार है। अगर आपको डबल जेब वाला चाहिए जो इधर पॉकेट होती है और इधर भी पॉकेट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने आपको सिंगल पॉकेट वाला बताया है और इस तरीके से मैंने बनाए, बहुत इजी तरीका इसे बनाने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।